जैसे बहुत सिंपल पेंटिंग, जैसे इवन जो आपका सोहरा पेंटिंग होता है, बहुत सिंपल होता है ना, उसमें शक्ल वगल नहीं बनाता है, बस इंसान बनाता है, जानवर बनाता है, उस तरह का पेंटिंग। तो यानी इंसान में एक ये शक्ति है ना कि वो किसी चीज को जो असल में वहां है नहीं उसके बारे में बात कर सकता है ना। बाकी जानवर या जो भी है, अगर उसको खाने के बारे में बात करें तो खाना शायद सामने होना चाहिए, वो बताए। आप तो बोल सकते हैं, जैसे ये क्या है, लिखा हुआ कहीं पढ़ लेता है या फिर सुनता है बैट शब्द, तो दिमाग में क्या आ जाता है, बैट। पता है ना आपको बैट क्या होता है? हाँ, तो ये है लैंग्वेज का स्पेशलिटी, कुछ भी हो सकता है, और बस साउंड या फिर ये चीज नहीं, इवन इसका मतलब क्या है, हाय या फिर ऐसे करके है ना, वैसे इसका मतलब, हाँ, ये सब हम समझ जाता है ना, भाषा है ये सब की। अगर इवन शक्ल से समझ जाता है, अगर गुस्सा होता है तो पता लग जाता है ना, अगर वैसे करेगा तो समझ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर हंस रहा है तो, ये सब भाषा है। तो इंसान ने एक भाषा बना दिया था, और भाषा का स्पेशलिटी क्या, जैसे अभी आप लोगों के पास दो कंप्यूटर लैब है लेकिन वहां इंटरनेट नहीं है ना, तो एक एक कंप्यूटर पे सब अपना, जैसे तुम एक कंप्यूटर बैठा है, तुम कंप्यूटर सब कंप्यूटर बैठा अपना एक एक, तो टाइप कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, ये सब कर सकता है ना, लेकिन एक दूसरे से कंप्यूटर संपर्क नहीं कर सकता है, एक दूसरे को ईमेल नहीं भेज सकता, एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। तो वैसे ही इंसान के लिए भाषा है इंटरनेट की तरह, अगर भाषा नहीं होती तो सब अपना अपना काम करता है, एक दूसरे को नहीं समझा पाता ना। इंसान का यही स्पेशलिटी कि जितना 100 साल पहले भी जितना लोगों ने सोचा है या फिर उसके बारे में कुछ साइंस या किया है जो भी, वो एक इंसान दूसरे इंसान को बता सकता है ना भाषा के थ्रू, या तो किताब लिखा है जो अभी तक चल रहा है, जो भी हमारा जो क्या है बाइबल है, रामायण महाभारत, वो भी भाषा की वजह से हम तक पहुंचा है ना। भाषा नहीं होता तो जिसने, ठीक है, जिसके दिमाग में ये सब आ गया अच्छी चीजें, वो उसी के दिमाग में रहता ना, भाषा की वजह से वो शेयर कर पाया, ठीक है। तो भाषा एक बहुत जरूरी चीज था जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ा, श्रेष्ठ जाति बना। दूसरा, जैसे आपने बताया टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स क्या होता है, औजार, जिन चीजों से काम करता है, जैसे हैमर, हथौड़ा, या फिर आरी जो काटने के लिए, स्क्रू ड्राइवर, ये सब। तो शुरुआत का टूल्स क्या था, शुरुआत में टूल्स क्या था, आदि मानुष के टाइम पे टूल्स क्या थे, स्क्रू ड्राइवर था क्या उसके पास, आयरन, हाँ आयरन, आयरन से भी पहले क्या था, आयरन भी नहीं है उस वक्त, मान लो आयरन भी बाद में आया, आयरन से पहले क्या था, वुड, वुड, लेकिन वुड से आप काट वाट तो नहीं सकते ना चीजें, फिर जो गंगा की, हाँ क्या, फिर से बोल जोर से बोलो, हाँ पत्थर, ये क्या अन्वेषा ना, हाँ जैसे उसमें पत्थर, पत्थर को तोड़ के, अगर पत्थर का एक साइड तेज धार है तो उसे काट सकता है, मीट काट सकता है, घास काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, बड़ा पत्थर है उससे हथौड़ा की तरह कुछ तोड़ सकता है, उसी तेज पत्थर को अगर एक डंडे के साथ, वुड के साथ रस्सी से बांध दिया तो क्या है, एक हथियार बन गया है ना, ये सब बन गया। और पत्थर किस चीज का बना होता है, ज्यादातर पत्थर जो हमारे पृथ्वी में मिलता है वो सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन भी एक मूलिक है ना एलिमेंट, सिलिकॉन, सिल्क नहीं, सिलिकॉन, सिल्क और रेशम जिससे कपड़ा साड़ी ये सब बनता है ना, सिलिकॉन, ठीक है, SILICON, ठीक है। तो इससे उस वक्त इंसान 10,000 साल पहले क्या टूल्स बना लिया है ना, इट्स इन द रूम, यू हैव टू सर्च समवेयर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, हाँ जस्ट प्रॉब्ली इन दैट विंडो थिंग इट विल बी देयर, ठीक है, सिलिकॉन। और अभी भी वही सिलिकॉन आपका फोन कंप्यूटर ये सब बना रहा है, जो फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो चिप होता है ना छोटा छोटा, वो सिलिकॉन से बनता है। और सिलिकॉन कहां से आया था, ये सब मूलिक का हमने बात किया था, कहां से आया था, हाँ बिग बैंग के बाद स्टार्स के अंदर बना या फिर सुपरनोवा से आया, तो सोच रहे वहां से जो सिलिकॉन आया था पृथ्वी में आया, और उसका पहले 10,000 साल पहले इंसान पत्थर बना रहा था, हथियार बना रहा था, उसी सिलिकॉन का अब 10,000 साल बाद टेक्नोलॉजी बना रहे, फोन बना रहे, कंप्यूटर बना रहे, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है एक तरह से, है ना, ठीक है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, और क्या, जैसे टूल्स क्या है, व्हील, चक्का बनाया है, चक्का, व्हील, व्हील का भी हमने बात किया था, सिंपल पहले चक्का था, उसके बाद साइकिल बना,
साइकिल में पेडल वेडल लगा दिया, उसके बाद साइकिल में मोटर लगा दिया, क्या बन गया? बाइक बन गया, मोटरसाइकिल। ऐसे धीरे आगे साइंस बढ़ते रह रहा है ना, टूल्स और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पता है क्या होता है? ठीक है। और एक और बहुत जरूरी चीज क्या इंसान ने ढूंढा? और कोई भी जानवर आग पे कंट्रोल कर पाया क्या? नहीं ना। जैसे एक जंगल बुक मूवी देखा था याद है, तो उसमें भी देखा था ना ये कि बोलते हैं इंसान के पास क्या है, वो रक्त फूल मोगली के पास आग है, इसी की वजह से वो इतना बड़ा टाइगर को भी हरा दिया। क्योंकि शारीरिक रूप से तो इंसान बहुत कमजोर है ना, इवन छोटा सा एक कुत्ता भी आके आपको मार सकता है ना, इतना तेज दांत है उसका, एक गला यहाँ पे मारेगा इंसान खत्म। हाथी से लड़ पाएगा क्या? शेर से लड़ पाएगा? घोड़े से तेज दौड़ पाएगा? नहीं ना। शारीरिक रूप में तो इंसान बहुत कमजोर है, बस दिमाग की वजह से आ गया है ना बड़ा वो। तो आग, आग से बहुत कुछ बना ले, जैसे लोहे का आप बात कर रहे हैं, अगर आग पे कंट्रोल नहीं होता तो ये सब ऐसी चीजें नहीं बना पाता। लोहा का चीजें कैसे बनता है? देखा है कभी बनते हुए? गांव में देखा होगा, बहुत सिंपल चीज है। तो मेरा गांव में होता था, जैसे एक आदमी होता है जो क्या करता है, लोहार, वो लोहा लेता है, उसको खूब गर्म करता है आग में, उसके बाद मार मार के शेप में करता है, चाकू बनाता है ना। तो आग नहीं होता तो लोहा नहीं होता, लोहा का यूज नहीं कर पाता। लोहा भी पहले कहां कहां से इस्तेमाल हो रहा था, पहले आप क्या क्या बनाए? लोहा से हथियार बनाया, बेसिक तलवार ये सब बना रहे थे। अब आजकल लोहा से क्या क्या बिल्डिंग बना दिया, ब्रिज बना दिया, तो वो भी चलते जा रहे हैं ना आगे। और लोहा भी कहां से आया था? लोहा क्या होता है? आयरन, Fe, आयरन। लोहा भी कहां से है? वही स्टार से है ना, बिग बैंग के बाद। ये सब याद है, हमने बात किया था मूल्य का कैसे बनता है, दही, हाइड्रोजन सबसे पहले बना, फिर हीलियम बना, वहां से फिर तारों के अंदर जुड़ जुड़ के बनता गया ना। ठीक है। फायर से एक और चीज बहुत जरूरी, हमने क्या किया था? खाद्य को जो खाना बनाना। और कोई जानवर करता है ये? नहीं। तो बाकी जानवर क्या है? सिंपल, या तो पौधा खाता है या फिर दूसरे जानवर को खाता है, कुछ उससे उगा, कुछ आग में कुछ क्या होता है, पकाता नहीं है ना, पका आग में खाने को होने से क्या होता है, बेसिकली जब आप खाना लेता है, कुछ भी खाना है, चाहे प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब है, पता है ना, मीट में प्रोटीन होता है, ये सब पढ़ा है, पढ़ा होगा ना खाने में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है ना, प्रोटीन से मसल वगैरह बनता है। तो इसी का जो बात कर रहा है, खाने के अंदर ये सब प्रोटीन, ये सब असल में क्या, मॉलिक्यूल है, एटम्स जुड़े हुए अलग अलग, तो एक तरह का एटम जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बना देता है, अलग तरह का एटम जुड़ के प्रोटीन बना देता है। और ये सब जो पदार्थ है वो कैसे बनता है? प्लांट बनाता है ना अपने अंदर, धूप लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट ये सब बना लिया, और वही चीज फिर जानवर उसको खाता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन के साथ वो जो प्लांट खाया है उसका कार्बोहाइड्रेट वगैरह टूट के एनर्जी देता है। ठीक है। तो जो खाना है, जो खाना से आपको एनर्जी ऐसे ही मिलता है, बेसिक जो अंदर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ये सब जो है वो छोटा छोटा और टूटने लग जाता है एटम्स में, और उन एटम्स का एनर्जी आपके अंदर मिलता है। ठीक है। खाना जब आप पकाते क्या होता है, उससे थोड़ा खाना और टूटता है, तो और आसानी से और एनर्जी मिलता है आपको। ठीक है। और शायद कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसी एनर्जी की वजह से इंसान का इतना विकास हुआ है, कि क्योंकि वो खाना पकाने लग गया इसलिए दिमाग इतना बड़ा। ठीक है, हो सकता है। और एक और जरूरी चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो एक जगह से दूसरी जगह। बाकी जानवर क्या है? या तो तैरता है, या तो हवा में उड़ता है, या फिर पानी में तैरता है, या फिर धरती पे चलता है। ज्यादा से ज्यादा या तो धरती पे चलता है और उड़ता है, या फिर धरती पे चलता है और स्विमिंग कर लेता है ना। इंसान क्या है? तीनों चीज में कर लिया है, चल भी सकता है, और क्योंकि वो अगर वो इतना तेज नहीं तैर पाता है तो टेक्नोलॉजी से उसने शिप बना लिया, जहाज बना लिया है ना, और क्या बना, एरोप्लेन बना लिया, खूब सारा चीज बनाया। सी अंदर भी जा सकता है वो, इनफैक्ट इतना कुछ बना दे कि स्पेस में भी जा सकता है इंसान है ना, स्पेसशिप बना ले। और फाइनली एक बहुत जरूरी चीज जो इंसान को बाकी जानवरों से अलग करती है, टाइम। बाकी कोई जानवरों का भी ऐसे घड़ी देखते हुए कि लेट हो रहा है कहीं पे, नहीं
दिमाग में टाइम का सिस्टम बहुत अलग है ना उनका, वर्तमान में जीता है वो हमेशा। अभी भूख लग रही है, खाना खाना है, चलो खाना ढूंढता है, सोना है, नींद आ रही है, सो गया। उनके दिमाग में ये सब, हम लोगों के दिमाग में क्या क्या चलते रहता है, 5 साल 10 साल पहले भी जो चीज हुई है वो दिमाग में है ना, जो हमने वैसे आगे क्या होगा हमेशा टेंशन लगे रहता है कि 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, कल क्या होगा, खाना कैसे खाएगा, ये सब चलते रहता है ना। तो ये भी एक तरह से इंसान का स्पेशलिटी है, ठीक है। ये 5 बात क्लियर है, ये क्लियर है ये सब, ठीक है। अब ठीक है, इंसान के पास टूल्स है काम करने के लिए, हथियार है, आग है, चक्का है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, उस वक्त शुरुआत में आदि मानुष क्या करता था, शिकार करके जीता था ना, खाना या तो कहीं से फल वल इकट्ठा कर लिया या फिर शिकार किया। तो छोटी सी जगह है, मान लो इतना सा एक जंगल है, वहां पे पहले 10 लोग है, तो उनके लिए खाना मिल रहा है, टाइम पे सीजन आ रहा है, फल आ रहा है, खा लिया, जानवर है कुछ कुछ, बर्ड्स है, पक्षी है, उनको खा लिया। अब धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ते रहती है ना, जैसे कि पहले मान लो बस 5 आदमी थे, 5 औरतें थी, हर एक दोनों मिलके कितना है, 2-2 बच्चा देता है, ठीक है, तो 10 कितना बच्चा हो जाएगा, 10 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये भी 2-2 बच्चा पैदा करता है, ये भी 2-2 बच्चा, ये भी 2-2, तो करते करते बहुत बढ़ने लग जाएगा ना साइकिल जनसंख्या। तो वही अब मान लो यहाँ पे 100 हो गया है, अब 100 लोगों का खाना यहाँ नहीं मिल रहा है, इतना जानवर नहीं है, इतना पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाँ नई जगह चला गया, ठीक है, अफ्रीका से जैसे आगे गया, अफ्रीका से शुरुआत। लेकिन और क्या है, इंसान ने एक ऐसा क्या चीज ढूंढ लिया जिससे वो बैठे बैठे अपना खाना बन मिल सकता है उसको, क्या समुद्र के तट पे कैसे जाएगा आदि मानुष खाना लेने, ऑक्सीजन टैंक है उसके पास क्या? अरे खाना कैसे मिलता है तुम लोगों को अपना, आजकल जो खाना खाते हो कहां से आ रहा है, जंगल में। अभी तो जो खाना खाता है रोज मेस में कहां से आ रहा है, अब ये मैं बोलना मऊड़ा से आ रहा है, दुकान से, दुकान में कहां से आ रहा है, खेत में, फार्मिंग, वो अलग अलग स्टेप था ना, पहले इससे पहले शिकार पे जी रहा था या फिर पेड़ पौधे से। अपना खाना 100 लोगों का इतनी सी जगह में, अगर इन्होंने जंगल हटा दिया, इतनी सी जगह में 100 या शायद 1000 लोगों का खाना मिल जाएगा, समझ रहे। तो ये एक अगला नेक्स्ट खोज था कि चास जो आप बोलते हैं खेती है ना, कि एक बीज डालेगा तो खाना उगेगा। अब चास खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है, चास करने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए जो सभ्यता आपने पढ़ा होगा, अलग अलग सभ्यता पढ़ी होगी जो पुरानी है ना, 3-4 हजार साल पहले, 3-4 BC, ठीक है, BC पता है क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट है ना, पता है ना आपको, टाइम डिवाइडेड है हमारा क्राइस्ट से, कि क्राइस्ट के जन्म के पहले या फिर क्राइस्ट के मरने के बाद, AD या BC है ना। और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है कि यानी कुछ लोग बोलते हैं हाँ बुद्धा के टाइम से क्यों, क्राइस्ट से ही हम टाइम क्यों मानते हैं, बुद्धा भी था, गुरु नानक था, जैन था, महावीर था, बहुत कुछ था, मोहम्मद था, क्राइस्ट से हम टाइम क्यों मानते हैं, क्योंकि जितना भी साइंस ये सब ज्योग्राफी ये सब जो ज्यादातर जो पिछला जो मॉडर्न जो आया है दुनिया में वो सब कहां से आया, क्राइस्ट से, क्राइस्ट फिजिक्स पता है तुमको कहां से है, पश्चिम से है ना, और पश्चिम में सबसे पश्चिम यानी वेस्टर्न देशों से, पश्चिम साइंस अमेरिका यूरोप, और वहां पे सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, क्रिश्चियनिटी, इसीलिए क्राइस्ट से नाते हैं, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे आप लोगों को लग रहा है तो चेंज भी कर दिया, मॉडर्न को एक और बदल दिया, बीसी को लोग BCE बोलने लग गए हैं, और AD को CE बोलने लग गया, CE यानी कॉमन ईरा यानी सबका समय, तो ताकि क्योंकि जो हिंदू है या जो बुद्धिस्ट है जो इस्लाम है उन लोगों को लग रहा था कि हाँ क्राइस्ट से ही क्यों हो, तो इसलिए ये बस नाम बदल गया, सेम चीज है, ठीक है, अभी भी क्राइस्ट के टाइम से ही मानते हैं एक तरह से। हाँ अब बोलो क्या बोलो, हाँ वो इसको बोला तो साल होगा, तो वो हाँ ये बोला सर आपको साल नहीं बोला, वो सी आप लेगा ना, हाँ इसको वो साल होगा, सर क्यों बोलेगा, साल साल
सी यानी साल कैसे हो गया? नहीं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, तो हाँ 3,000 साल पहले खेती के लिए क्या चाहिए, हमने क्या बात किया, पानी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जितना भी ज्यादातर जो पुराना शहर है, बड़ा बड़ा शहर, जैसे बनारस, बनारस नाम सुना है यूपी में, बनारस दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है जो अभी तक चल रहा है। उससे भी पहले शहर थे लेकिन वो खत्म हो गए ना, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जो सबसे पुराना और अभी तक है। और बनारस कहां पर है? गंगा पे। जितना भी पुराना शहर या फिर पुराना गांव देखेंगे ज्यादातर नदियों से शुरू हुआ है, क्यों? चास के लिए आसानी है, पीने के लिए पानी है, बाकी जानवर भी पीने के लिए पानी आएगा तो शिकार भी कर सकता है, उनको पाल भी सकता है। तो जितना भी जो पुरानी सभ्यता भी जो आपने पढ़ा है, जो तीन मेन है वो नदियों के वहां थे ना, कौन कौन से थे? तीन, इंदस सिंधु नदी पे और हरप्पा, हाँ मोहनजोदारो हरप्पा, ये सब इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था सिंधु नदी की वजह से, सिंधु नदी पे था ना सब। अच्छा, और बाकी एक नाइल या नील नदी सुना है? मिस्र सभ्यता, इजिप्शियन, इजिप्ट, और तीसरा क्या है? अमेज़न तो था वहां पे सभ्यता नहीं, बाद में धीरे धीरे बना, लेकिन जो तीन जो सबसे पुरानी वहां अमेज़न में भी हुआ था धीरे धीरे, वहां पे मायन ये सब आए, अभी इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सबसे पुरानी जो इस टाइम पे हुई थी 3,000 से 4,000 BC यानी कि अराउंड 5,000 साल पहले। तीसरा था यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नाम की दो नदियां थी जिससे बना मेसोपोटेमिया का सभ्यता है ना। तो ये क्या है? हरप्पा मोहनजोदारो, हरप्पा का सभ्यता, मेसोपोटेमिया सभ्यता और मिस्र का, है ना। और ठीक है, तो इसमें एक दो अभी वीडियो देखेगा। और इंसान पृथ्वी कितना टाइम पहले बना था? 4.6 मिलियन सर, 4.6 मिलियन। उसमें से इंसान को बस इतना साल पहले आया है, 2,00,000 साल पहले, है ना, इतना है इंसान। और कहां पे शुरुआत हुई? अफ्रीका, अफ्रीका से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे अफ्रीका से इंसान आगे कैसे आया, ठीक है।
अभी जनसंख्या भी आ गया, अभी कुछ 30 मिलियन है, यानी 60, 30 से 60 थोड़ा आगे रखते हैं अभी, रुको रहे थोड़ा ज्यादा आगे होंगे, ये आपको दिखाना रहे। अब अराउंड 3000 BC पे ये देखो इजिप्ट नाइल नील नदी पे ये जो येलो कलर है ये स्टार्ट हो गया। साइड में धीरे धीरे ये मेसोपोटेमिया का ये इलाका है, ये शुरू हो गया है ना लाल रंग, और ये क्या है ग्रीन वाला हरप्पा, ये सब पाकिस्तान तो नहीं बना अभी, ये इंदस नदी के है ना। अब ऐसे चलते चलते और भी राज्य बनते जा रहे हैं, ठीक है धीरे धीरे थोड़ा आगे आता है और आगे आता है बढ़ते रह रहे हैं, ठीक है चाइना में भी अब शुरू हो गया है। इजिप्ट राज्य बन गया पूरा बड़ा, इतना बड़ा। अभी यहाँ पे वेदिक टाइम चल रहा है इंडिया में, वेदों का टाइम। चाइना में भी बड़ा राज्य हो गया, धीरे धीरे वो ये देखो ये ग्रीस भी शुरू हो गया। ये सब क्या है ग्रीक एम्पायर है, तो युद्ध हो रहा है ना आसपास में, जो जीतता है जैसे जैसे वो अपना राज्य बड़ा करते रहता है, वो चल रहा है अभी। तो अभी सबसे बड़ा क्या ग्रीक एम्पायर है चाइना, यहाँ पे क्या है मौर्य, मौर्य एम्पायर अशोका का टाइम, अशोका पता है ना, अशोका का टाइम चल रहा है अभी, कलिंग में भी आया था ना अशोक। हाँ तो वैसे हर जगह राज्य था ना, तब इंडिया तो नहीं था कुछ, इंडिया नाम तो अब हमने दिया है ना, तब अलग अलग राज्य था, साउथ में अलग था पांड्या चोला ये लोग राज कर रहा था, और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है कलिंगा या उत्कल है ना, तो कलिंग राज्य था तब। तो अभी मौर्य आया उसका, धीरे धीरे गुप्ता आ जाएगा, गुप्ता का टाइम आ जाएगा इंडिया में है ना, ये सब पढ़ा है ना हिस्ट्री में। अब क्राइस्ट के बाद का टाइम आ गया, ठीक है ना, क्राइस्ट के बाद का सीई हो गया ये, यानी कॉमन एरा, चाइनीज बन गया पूरा यहाँ पे। अब इस साइड पूरा ऑलमोस्ट बन गया है ना सब कुछ। हाँ अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, 1400 ईयर है, अभी 1500 होने वाला है, 1500 साल। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे इतना कुछ बन गया है, ये जगह खाली है, क्यों, यहाँ पे भी लोग थे ना, हाँ एकदम शाबाश बिल्कुल। तो ये जो है पुरानी दुनिया है, इसको ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है पुरानी दुनिया इस हिस्से को, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं न्यू वर्ल्ड नई दुनिया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इस ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे लोग नहीं था, लेकिन यहाँ पे तब बेसिक था, यानी वही ट्राइब्स थे अभी अभी भी, क्योंकि इस तरफ लोग पहुंचे नहीं, लोग जो भी इतना बड़ा समुद्र है ना, तो ज्यादातर लोग तो इधर ही थे है ना, तो यहाँ पे सब राज्य वाजे बन गए, और इन लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे और भी दुनिया है, ठीक है। तो जैसे अभी राजू बोला कोलंबस, फिर अराउंड 1500 यानी 500-600 साल पहले में कोलंबस ने बोला कि वो इंडिया ढूंढने जाएगा, इंडिया के लिए रास्ता ढूंढना है उसको, तो एक बड़ा सा शिप लेके वो गया, उसने सोचा वो यहां से जाएगा स्पेन का था, वो स्पेन यहां से वो जाएगा पूरा पृथ्वी घूम के धीरे धीरे यहाँ इंडिया पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, ठीक है। कोलंबस फिर गया यहाँ से और यहाँ पहुंच गया, शुरुआत में उसको लगा शायद इंडिया पहुंच गया, लेकिन गलत था ना, धीरे धीरे उसको पता लगा नहीं ये तो कुछ नई दुनिया है। तो वहीं पे फिर इसलिए धीरे धीरे फिर क्या हो गया, स्पेन का राज होने लग गया, बाकी दूसरा देश भी आने लग गए, यूरोपियन देश का आपको पता है ना क्या था, दो, एक तो नेवी बना लिया था बहुत स्ट्रांग, बड़ा बड़ा जहाज बना लिया था, और दूसरा तोप बना लिया था, गन्स बना लिया था, गन पाउडर। गन पाउडर का शुरुआत चाइना से हुआ था, लेकिन चाइना में जहां तक पटाखा बनाता था वो लोग, यूरोप में आया तो गन्स बंदूक ये सब बन गया, तो उसके चलते बहुत पावरफुल हो गया ना, और अलग अलग राज करने लग गया। इसी की वजह से लैंग्वेज इंडिया में अभी तक आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, ब्रिटिश राज किया था वैसे ही। अब देखो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
1500 के बाद का टाइम। अब देखिए जो भी येलो कलर है, स्पेन येलो है ना यहाँ पे, जो भी येलो कलर है मतलब वहां पे स्पेन का राज है अभी। वैसे ही अब धीरे धीरे आप देखेगा आगे क्या होगा। जो भी पिंक है वो ब्रिटिश का राज है, ये रशिया का एम्पायर बन गया, ये चाइना का किंग बन गया, किंग डायनेस्टी। अब 1857 के बाद आप देखो यहाँ पे इंडिया पिंक क्यों हो गया है। हाँ, तो जहां पे ब्रिटिश का राज है देखो यहाँ पे और अमेरिका में, इसलिए पिंक है ना। वैसे येलो क्या है, स्पेन का राज है, इसीलिए स्पेन में ये क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में अभी तक लोग स्पेनिश में बात करते हैं ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर लोग स्पेन में स्पेनिश। अमेरिका में किस में बात करता है, इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश, इंडिया में इंग्लिश, इसी की वजह से। और वैसे ही अफ्रीका में भी ये लोग यूरोपियन देश आपस में लड़ रहा था कि इतना हिस्से पे मैं राज करूंगा, इतना हिस्से पे, तो इसलिए अफ्रीका में भी या तो इंग्लिश अपने भाषाओं के अलावा इंग्लिश चलता है, फ्रेंच चलता है, ये सब चलता है, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ था, अराउंड 1500 से लेकर 1800-1900 साल तक यूरोपियन देश अलग अलग जगह पे जाके उन पे राज करने लगा था, ठीक है, अपना नेवी और बंदूकों की वजह से। इसीलिए उनका कल्चर, साइंस, रेलवे, ये सब वहीं से है। इंडिया में ब्रिटिश लोग लाया था ना ट्रेन, उससे पहले नहीं था, तो अच्छा काम भी किया राज करने के साथ साथ, ये लोग अच्छा काम भी किया, उनके बिना हमारे पास ट्रेन नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होता, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स बन गया, कनाडा बन गया, ब्राजील बन गया, अलग अलग बन रहा है, अभी तक ब्रिटिश राज है। ऑस्ट्रेलिया बन गया है, ये देखो इंडिया ब्लू हो गया, अब जाके इंडिया बना है, क्यों क्या हुआ था, 1947 आजादी, इंडिपेंडेंस है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अभी हमारा अभी देखो मॉडर्न राज्य बन गया है ना। 2017 आप देखो हर एक अपना अपना देश बना हुआ है ना, चाइना, इंडिया, रशिया, कनाडा, यूएस, ब्राजील, सब देश बन गए, ठीक है। तो ऐसे चला धीरे धीरे, शुरुआत सब कहां से हुआ था, अफ्रीका से। और जल्दी से अब एक और वीडियो देखते उसके बाद आप जाओ, ठीक है। इसमें जनसंख्या क्या बात हो रही है, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, वो तो बीसी से, ये शुरू हो रहा है क्राइस्ट के जन्म से, 1 CE। हाँ क्या हो रहा है, एक एक इसमें जो येलो डॉट है इसका मतलब क्या है, एक एक येलो डॉट का मतलब क्या है, जनसंख्या क्या है, हीरोइन, एक एक डॉट का मतलब क्या है, जनसंख्या, एक एक डॉट का मतलब है 1 मिलियन, एक डॉट का मतलब वहां पे 1 मिलियन लोग है, ठीक है। तो अब देखो चाइना और इंडिया में शुरुआत से ही ज्यादा लोग है और बढ़ते रहेगा धीरे धीरे पूरा पृथ्वी में। अभी चाइनीज का, चाइनीज एम्पायर, अब रोमन एम्पायर आ गया, इसलिए यूरोप में भी बढ़ रहा है, लोग रोमन साम्राज्य है ना। अब ऐसे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, 200 साल है अभी, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता का टाइम है ना, गुप्ता राज्य था जब, थोड़ा आगे चल रहे हैं। और हाँ एक और चीज था, क्या है, जब यूरोपियन देश एक दूसरे पे राज कर रहा था तो क्या हो रहा था, हाँ मैं अंधा हूं ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम करते रहो जो करना है, शाबाश। हाँ क्या, दास बना के ले जाते थे ना लोग, जैसे यूरोपियन है यहां से, अफ्रीका से, इंडिया से लोगों को उठा उठा के ले जाता था अमेरिका में अपना फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। और ये बस पिछले 200 साल पहले रुका है, उससे पहले तक चल रहा था, ये एकदम जानवरों की तरह उठा के ले जा रहे थे, खरीदते थे, जैसे एक को खड़ा कर दिया अफ्रीका लोग के आदमी को,
कि हाँ कौन कितना में खरीदेगा, 1,000 रुपए में खरीदेगा, 500 रुपए में खरीदेगा, किस तरह से हो रहा था ये सब। हाँ इंडिया देखो धीरे धीरे क्या है पूरा ये डॉट भी नहीं रहा है एकदम वैसे येलो हो गया पूरा है ना। और ज्यादातर देखो किस हिस्से में इंडिया के लोग, किस हिस्सा में, जो उत्तर हिमालय के नीचे जो गंगा का बेल्ट है जहां पे गंगा नदी थी, क्योंकि वहां पे क्या गंगा नदी का मिट्टी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ उगता है वहां पे, तो इसलिए ज्यादातर लोग वहीं पे ना यूपी बिहार पटना चाइना में। हाँ चाइना में भी वैसे, चाइना में यांग्से और येलो रिवर करके वहां पे भी नदियों की वजह से ही है ठीक है इस जो एरिया है, बाकी तो पूरा पहाड़ है खाली है ये वाला इलाका ठीक है, रेगिस्तान जैसा है, इस हिस्से में खूब सारा हरियाली है। तो आप देखा धीरे धीरे 1800 में जाके हम 1 बिलियन पहुंच गए, चाइना बहुत अब 19 अब देखो कितना जल्दी जल्दी वही जो एक डायग्राम बनाया था ना शुरुआत में, दो दो बच्चा करके कितना जल्दी अब होगा ना, तो वही हो रहे हैं यहाँ पे 1930 में हम 2 बिलियन पहुंच गए। इंडिया आप देखो कितना जल्दी कर रहे हैं, 1970 में हम 3 बिलियन पहुंच गए, अभी प्रेजेंट क्या है 2017 में हम कितना है 7 बिलियन। फाइनली अब ये बोल रहे हैं इनके हिसाब से 2050 में, यानी कि कितना दूर है अभी 33 इयर्स बाद 9 बिलियन हो जाएगा पॉपुलेशन। और अब देखो ये है इंडिया तो हो रहा है लोग तो ठीक है इंडिया में ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो 1 मिनट बात करते हो क्या लाभ है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सही है क्या कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, जनसंख्या में बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा जब भी कम जाएगा। हाँ हाँ जैसे अभी ये जो स्कूल है आपका कितना बच्चे हैं यहाँ पे 500 मार्क है, कल को जो सर आएगा बोलेगा कि नहीं अब यहाँ पे 1,000 बच्चा पढ़ेगा ठीक है, तो क्या होगा क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम पता खेलेंगे वाटर खाना और रहने का जगह जगह नहीं होगा यहाँ पे, तो ठीक है स्कूल में आप थोड़ा और जमीन पीछे खरीद लिया, बिल्डिंग बना दिया, कुछ कुछ कर लिया, 10 टॉयलेट और बना दिया, 2 कुक और लगा दिया, खाना और बन गया, वो सब हो सकता है, लेकिन पृथ्वी में क्या करेगा, पृथ्वी को कैसे बड़ा बनाएगा, नहीं होगा। कुछ कुछ करना पड़ेगा या समुद्र में रहना पड़ेगा या, लेकिन क्या है पानी खत्म हो रहा है, समुद्र का पानी तो नहीं पी सकता ना, पानी खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, खाना भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे अगर इतना बढ़ते रहेगा तो प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे हो सकता है हम लोग को मार्स में जाके रहना पड़े स्पेसशिप में, कुछ कुछ शायद यही होगा धीरे धीरे, फिर मार्स का भी हम हालत खराब कर देंगे, मार्स को भी बर्बाद करके फिर एक नया प्लैनेट में जाएगा, क्या बात है ना। लेकिन बस तो हाँ ठीक है लास्ट पॉइंट आप इस पे थोड़ा सोचो कि देखो 1800 2 लाख साल पहले इंसान का शुरुआत हुआ है ना, तो यानी अराउंड 198,000 साल लगे 1 बिलियन पहुंचने में है ना, इतना टाइम लगा है इतना साल 1 बिलियन पहुंचने में, लेकिन उसके बाद बस 100 साल में हमने डबल कर लिया, जितना टाइम 1 बिलियन को इतना लगा था बस 130 साल में 2 बिलियन हो गए, उसके बाद क्या है 1970 40 साल में एक और बिलियन ऐड हो गया, उसके बाद अराउंड 50 साल में उसका डबल हो गया 7 बिलियन हो गया, और 2050 तक 9 बिलियन हो जाएगा, तो बढ़ते रहेगा। इसीलिए इंडिया में एक पॉलिसी थी ना, लोग बोल रहे थे एक सरकार बोलती थी कि बस 2 बच्चा पैदा करना है, अब बोलने लगे बस 1 बच्चा पैदा करना है, शायद बस बोले 1 बच्चा नहीं पैदा करना है, क्या सोचो ये चाइना इंडिया का सरकार फिर भी अच्छा बस बोलता है, चाइना में तो पनिशमेंट मिलता है अगर 1 बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा तो, है ना ठीक है चलो। अरे ये जो फूल वूल था वो रख देना ठीक है, वापस बच्चों का काम है वो फूल सर, तुम लोग फूल से कह रहा था ना लड़कियां लड़कियां रख दिया वापस, हाँ ठीक है वो काम करता बच्चा उनका छोड़ता काम करो मुझे